नमस्कार दोस्तों, आज हम एकदम सरल भाषा में जानेंगे कि भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई। आप चाहे तो आप इस वीडियो को आंख बंद करके आराम से सुन सकते हैं। हमने सुना है कि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, चलिए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जरिया बनाकर सारे विश्व को गीता का उपदेश दिया है। पांडवों में युधिष्ठिर को जब राजा बनाने की बात सुनी तो दुर्योधन के मन में बड़ी जलन पैदा हो गई और दुर्योधन ने शकुनी मामा की सलाह से युधिष्ठिर को जुआ खेलने बुलाया और धोखे से उनका सब कुछ छीन लिया। यह फैसला लिया गया कि युधिष्ठिर, पांचों पांडव भाई और द्रौपदी 12 वर्ष वन में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास यानी सबसे छिप कर रहेंगे। इस फैसले के अनुसार जब 13 साल बिताने का वनवास काटने के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट वापस मांगा, दुर्योधन ने साफ साफ मना कर दिया। तभी कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ने का फैसला लिया गया। अर्जुन और दुर्योधन युद्ध का निमंत्रण देने भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिराने एक आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों के सामने खड़े हो गए। जब भगवान जागे तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और बाद में दुर्योधन को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने आदर के साथ उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपको एक सा ही प्रेम है, परंतु मैं आपके पास सबसे पहले आया हूँ, इसलिए आपको मेरी ही मदद करनी चाहिए। भगवान ने कहा, बेशक आप सबसे पहले आए हो, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है। मैं दो प्रकार से तुम दोनों की मदद करूँगा, एक और मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्म के अनुसार यानी कि तुम पहले आए हो अर्थात तुम अपनी इच्छा पहले पूर्ण कर सकते हो, मांग लो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया। तब दुर्योधन ने कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं, जो माखन चोर है मेरे पास। अर्थात जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब भी तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे मांग लिया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अकेले ही सबका नाश कर सकते हो तो मैं सेना लेकर क्या करूं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने अर्थात उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। युद्ध आरंभ हो गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। गीता के प्रथम अध्याय का आरंभ धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से शुरू होता है। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के सामने आकर उनसे कहा, यह संजय तुम्हें युद्ध का सारा वृतांत सुनाए, यह हमारी पहली कोशिश है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। राधे राधे।